हेलो एवरी वन एंड सो गाइस लेक्चर नंबर फोर है करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज का एंड एज टोल्ड कि करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज कवर करेंगे एंड ट्रस्ट करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट uh, सोर्सेज को फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके okay? चलिए सो लेटेस्ट स्टार्ट फॉर टूडेज लेक्चर और पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन बेसिकली एक सोशल स्कीम से रिलेटेड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अक्सर न्यूज के अंदर ये दिखाई देगी आपको तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट हैं वो आपको बताना है देखना है पहले आ, सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ये जो स्कीम है ये चाइल्ड सेक्स रेशियो जो देश के अंदर डिक्लाइन हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है दूसरा कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये इस स्कीम के पार्टनर्स हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर पहले भी आपको बताया मैंने तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू एंड डी इज नीदर वन नर टू तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट आंसर गाइज इज सी बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर ये जो सेकेंड स्टेटमेंट था ना ये थोड़ा सा कैची स्टेटमेंट था क्योंकि पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रन्यशिप और माइनॉरिटी अफेयर नहीं होते थे बट रिसेंटली इन मिनिस्ट्रीज को भी एज अ पार्टनर स्कीम के अंडर एड किया गया है तो सेकंड स्टेटमेंट मेनली इसमें जो था कैच का था जो आपको ध्यान से देखना था ओके okay, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन के अंदर चलते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को ये बेसिकली एड्रेस करता है और चाइल्ड सेक्स रेशियो हम बेसिकली बात करते हैं तो जीरो टू सिक्स एज में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है बेसिकली वो आ जाता है ठीक है एक तो होता है ना आपका सेक्स रेशियो वो तो ओवरऑल देखता है चाइल्ड सेक्स रेशियो रेशियो इज बेसिकली कि टू में मेन बॉयज वर्सेस गर्ल्स का क्या है ओके okay. uh, इस स्कीम के अंदर कुछ रिविजन हुए हैं ओवर द टाइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर जैसे uh, पहले बेसिकली जो स्कीम था दैट वाज मेनली फोकस्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन बट अब गर्ल्स की स्किलिंग की भी यहां पर बात हो रही है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कैसे एनरोलमेंट इंक्रीज किया जाए मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना और चाइल्ड मैरेजेस की आ, को कम से कम देश के अंदर करना ये कुछ नए एरियाज हैं जो इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी टाइप एग्जामिनेशन के अंदर क्योंकि यूपीएससी कई बार सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए यूपीएससी नहीं जाना जाता है यूपीएससी जाना जाता है अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी ठीक है तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कई बार वो पूछ सकता है पेपर के अंदर कि भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है गर्ल्स की स्किलिंग के लिए है सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट के लिए है मेस्ट्रोल हाइजीन के लिए है चाइल्ड मैरिजेस को कम करने के लिए है वन टू थ्री फोर करके दे देगा नीचे ऑप्शन दे देगा फिर आपको है ना उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है जी प्राइमरीली अगर हम बात करें तो ट्राई प्राइम था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाली और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो अब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है ठीक है ये तीन मिनिस्ट्रीज मेनली इसके अंदर जो थी स्टार्टिंग में जब ये स्कीम आई थी ओके अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स को भी इसका पार्टनर जो है वो बनाया गया है ओके और प्रोग्राम बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने के ऊपर फोकस्ड रहता है ठीक है एंड मल्टीसेक्टोरल एक्शन जो है पहले 161 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होता था लेकिन अभी अराउंड 640 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है ये भी ध्यान में रखिएगा आपके प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट जो है जो बेसिकली लिंग जांच जिसको हम बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन को बैन करता है ठीक है ताकि जो, जो जेंडर सिलेक्शन सिलेक्टेड अबॉर्शन हो रहे थे उसको कम किया जा सके तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके ऊपर भी फोकस करेगा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को खत्म करना है उसके अलावा सर्वाइवल सिर्फ सर्वाइवल इंश्योर नहीं करना हमने गर्ल चाइल्ड का उसका प्रोटेक्शन भी इंश्योर करना है कि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले वो पार्टिसिपेट कर सके फॉर द फुलेस्ट ग्रोथ ओके एंड स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर भी पार्टिसिपेशन यहां पर इनकरेज की जाए ठीक है जी 640 फोर्टी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा जो दो के हिसाब से सेंसस के हिसाब से छ सौ चालीस डिस्ट्रिक्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को रिसेंटली एज पार्टनर्स एड किया है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू के अंदर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेगा वो डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता था विच अमंग द फोइंग मिनिस्ट्रीज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम नीचे तीन चार मिनिस्ट्री इसके नाम दे देता ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्लॉथ बियर ओके रिसेंटली अक्टूबर 2022 के अंदर न्यूज में था और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ठीक है ध्यान से देखिएगा पहला स्टेटमेंट है कि ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मिलता है जो बेसिकली लोअर एलिवेशन के ऊपर होता है ज्यादा हाइट या ज्यादा ऑल्टीट्यूड के ऊपर नहीं होता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है रेड लिस्ट के अंदर आई की आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है मैंने आपको पहले भी बताया कि करेक्ट और इनकरेक्ट का बहुत ज्यादा ध्यान जो है आप रखेंगे ओके सो ऑप्शन ए इज वन ओनली बी इज टू ओनली सी बोथ वन एंड टू एंड डी इज नीदर वन नॉर टू सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है स्लॉथ बियर से रिलेटेड सो so, यहां पर जो आपका दोस्तों आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं स्लॉथ बियर के बारे में करंट अफेयर में क्यों था क्योंकि पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे सेलिब्रेट किया गया था ये पहला था और इंपॉर्टेंट इसीलिए ये हो जाता है 12 अक्टूबर को पहली बार वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे सेलिब्रेट किया गया वो डेट के ऊपर भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उसकी डेट्स भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ओके ये 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 जो स्लॉथ uh, बियर है इट इज कि इंडियन सब को एंडेमिक है एंडेमिक का मतलब कि यहां पर नेचुरली ओनली एट दिस प्लेस दिस पर्टिकुलर बियर इज फाउंड ओके स्मॉल होता है साइज में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता यूजुअली ब्लैक कलर ओके okay? बाकी कोट होता है लॉन्ग शेगी कोट होता है शोल्डर्स के ऊपर इतना ज्यादा इसको डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है चेस्ट पैच ये पॉइंट भी आप इग्नोर कर सकते हैं कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है लोअर एलिशन के ऊपर मिलता है बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स के अंदर नहीं मिलता सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं इंडिया एंड श्रीलंका के अंदर मिलता है बांग्लादेश नेपाल और भूटान में भी कुछ इंसिडेंसेज मिले हैं वनरेबल है आई लिस्ट के अंडर एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है और नाइंटी परसेंट जो पॉपुलेशन है स्लॉथ बियर की वो हिंदुस्तान में मिलती है ठीक है तो मेनली इंडिया का ये स्पीशीज है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नासाज ड्रैगन फ्लाई मिशन अगेन साइंस रिलेटेड एस्पेक्ट है करंट अफेयर का पहला स्टेटमेंट है कि ये जुपिटर का जो मून है टाइटन उस उसपे बेसिकली पहुंचने का मिशन है सेकेंड स्टेटमेंट है कि टाइटन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम के अंदर और टाइटन का एटमोस्फेयर है एंड जैसे अर्थ के ऊपर वाटर है वैसे ही लिक्विड आपको टाइटन के ऊपर मिलेगा आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू डी इज नीदर वन नाट टू साइंस बेस्ड क्वेश्चन है राइट आंसर ओवर ऑप्शन बी टू ओनली सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो बेसिकली जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है सबसे पहले तो ये एक रोटर uh, क्राफ्ट है रोटर क्राफ्ट बेसिकली क्या होता है एक एक जैसे इंसेक्ट होता है ना विद मल्टीपल ड्रोन्स उस टाइप का ये एक मिशन है और इसका टारगेट क्या है कि ये सैटन का मून है टाइटन नॉट जुपिटर का जो टाइटन मून है वो सैटन का है तो उस टाइटन के ऊपर ये सेल्क क्रेटर करके एक रीजन है वहां पर ये पहुंचेगा 2034 तक तो बेसिकली पहले स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है पहले स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम ये था कि ये जुपिटर का मून बोल रहा था टाइटन को बट टाइटन किसका मून है सैटन का ठीक है तो ये छोटे छोटे, छोटे चेंजेस बहुत ज्यादा याद रखने होते हैं इसी के अंदर पेपर में फंसते हैं ओके एंड ये एक मल्टी रॉटर व्हीकल है जो पहली बार नासा एक मल्टी रॉटर व्हीकल किसी और प्लान के ऊपर लेकर के जा रहा है टाइटन जो है सैटन का सबसे बड़ा मून है एंड एन आईसी वर्ल्ड सरफेस इज कंप्लीटली ऑब्सक्योर्ड गोल्डन हेजी एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर उसका गोल्डन हेजी फॉर्म का है सेकेंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का ओके uh, okay, uh, जो लार्जेस्ट मून आ जाता है हमारे सोलर सिस्टम का वो है जुपिटर का मून जो है गेनीमेट एंड सिर्फ दो परसेंट बड़ा है वो uh, आपके टाइटन uh, से ओके एंड ड्रैगन फ्लाई जो है बेसिकली uh, Cassini ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके हेल्प लेकर के ड्रैगन फ्लाई इज अंडरटेकिंग दिस मिशन टू टाइटन दैट इज सैटन मून याद रखेंगे ये सब फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी फोर्थ क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने ना अक्टूबर 2022 में एक टास्क फोर्स बनाया था इस टास्क फोर्स का काम क्या होगा जो चीता हम लेकर के आए हैं अफ्रीका से और हमने री इंट्रोड्यूस किया है कोनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में ये उसको मॉनिटर करेगा बेसिकली चीता मॉनिटर करेगा ठीक है क्योंकि अब हम लेकर के आए हैं तो हमें ये देखना है ना कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है सेफ है या नहीं है ओके सो so, ये कितने मेंबर का टास्क फोर्स है फैक्चुअल क्वेश्चन है ओके सो द राइट आंसर गाइज हेयर इज ऑप्शन सी नौ मेंबर का ये टास्क फोर्स रहेगा थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इंटरनेशनल इंडिया जो है वो अभी नजरों के अंदर है क्योंकि बहुत कम कंट्रीज हैं जो ऐसे किसी एनिमल को री करती हैं तो इंडिया ने ये किया है एंड दैट इज वाई इट्स अ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स विद इंडिया टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स बनाया है इंडिया के साथ मिलकर के क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन है ए मालदीव बी यूनाइटेड किंगडम सी फ्रांस या फिर डी यूनाइटेड स्टेट्स इनमें से कौन सा सही जवाब होगा सो इन दिस केस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सही आंसर होगा जस्ट मोमेंट। ओके, सो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सेटअप हुआ था इंडिया ने बेसिकली एनर्जी टास्क फोर्स जो uh, सेटअप किया ये एक मिनिस्टरियल मीटिंग हुई थी उसके दौरान हुआ था एंड इसका मेन इंडिया का एजेंडा क्या है इंडिया ने देखो टारगेट सेट किया हुआ है कि 2030 तक हमारा जो 50% परसेंट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होगा ना या इंस्टॉल कैपेसिटी होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगा ठीक है जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया ना कोयले से बिजली बनाना या पेट्रोलियम से तो 50% परसेंट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगा दैट इज क्लीन एनर्जी होगा सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कौन सी स्टेट के अंदर इंडिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ 2022 में इस तरह के स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी में पूछ लेता है यूपीएससी के एओ या एपीएफसी स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर सो so, ऑप्शन है मणिपुर आंध्र कर्नाटका ओडिशा और यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी ओडिशा ठीक है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने ही ये फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव को लॉन्च किया था एंड ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो आपके फीफा का ही ये बेसिकली पार्टनर प्रोग्राम है जिससे फुटबॉल को प्रमोट किया जाएगा इंडिया में ताकि यंगस्टर्स को इनकरेज किया जा सके टू प्ले फुटबॉल सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली कदवूर स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी को नोटिफाई किया ये पहली ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्पेशली डेडिकेटेड टू स्लेंडर लॉरिस जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है तो कौन सी स्टेट के अंदर ये कदम स्लेंडर लॉरिस्ट सेंचुरी को नोटिफाई uh, किया गया है महाराष्ट्र केरला तेलंगाना तमिलनाडु अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है करंट अफेयर पढ़ा हुआ है तो कर सकते हो नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत आएगी राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज ऑप्शन डी तमिलनाडु ठीक है जी IUCN ने बेसिकली इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज रखा है पंद्रह साल का लाइफ स्पैन होता है इसका ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन के अंडर आता है नॉक्टर्नल मैमल है स्मॉल रात को जागने वाला मैमल है एंड ज्यादातर लाइफ जो है इसकी ट्रीज के ऊपर ये स्पेंड करता है और इंडिया और श्रीलंका से नेटिव है ठीक है इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है

तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी ट्वेंटी फिफ्टी दो हजार पचास नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ आइडेंटिफाई द टू यूक्रेनियन रीजन्स जिनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था रशियन प्रेसिडेंट ने अक्टूबर 2022 के अंदर यूक्रेन क्राइसिस बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और अभी भी न्यूज में चल रहा है तो इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होंगी उस पर नजर बनाए रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके सो द राइट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन सी खेरसोन एंड जैपोजिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था ओके okay? uh, इससे पहले आप जानते होंगे कि क्रिमिया को एक बार रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था ओके okay? क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का लिविंग ट रिपोर्ट 2022 सबसे पहले तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लिविंग रिपोर्ट रिलीज कौन करता है तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको रिलीज करता है तो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने हाईलाइट किया कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है पिछले पचास साल में तो कितने परसेंटेज से डिक्लाइन हुई है पिछले पचास साल में एज पर द रिपोर्ट ट so, ठीक है यह भी याद रखिएगा कि यह रिपोर्ट का नाम और इसको कौन पब्लिश करता है यह इम्पोर्टेंट है ओके सो यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा लिविंग प्लान रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर निकालता है और इन्होंने बोला कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है काफी डिक्लाइन किया है बाई सिक्सटी नाइन परसेंट इन फाइव ईयर्स अगर हम देखें अगर 1970 के एवरेज के हिसाब से फोर्टीन एडिशन था ये इस रिपोर्ट का हर दो साल में इसको पब्लिश किया जाता है ओके एंड लिविंग इंडेक्स जो बेसिकली जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पब्लिश करता है उसकी हेल्प लेकर के ये इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है एंड अराउंड थर्टी टू थाउजेंड पॉपुलेशन को ये ट्रैक करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बट ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है इसको छोड़ दीजिएगा विथ दिस वी कम टू दफ़ दिस लेक्चर गाइज एंड आई होप अगेन इन दस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा कोई भी डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप टेलीग्राम एंड कमेंट सो सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय